जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर समाज में कोई शेर होते हैं और वो शेर ऐसा काम कर जाता है कि आने वाली 100 पीढ़ियाँ उस शेर का नाम नहीं बोलती। और वैसे ही हुआ कि यहाँ के मूलवंशी लोगों के इतिहास में अनेक शेर आपको नज़र आएंगे। किसी ने साहूकारों के खिलाफ आवाज़ उठाया, किसी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया, किसी ने बाहरी आक्रमण करने वाले किसी लोगों पे आवाज़ उठाया, तो किसी ने यहाँ पे पूजा और धर्म थोपने वालों पे आवाज़ उठाया। हर तरफ से आवाज़ उठाया गया और वो बड़े आदर्श महापुरुष बनने लगे। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, इस बात से दिक्कत है कि आपके इतिहास में, आपके स्वतंत्र पूर्व इतिहास में, आपके विद्रोही इतिहास में हर वो इंसान के नाम आते हैं जिस इंसान ने विद्रोह उठाया, जिस इंसान ने शस्त्र उठाए। लेकिन क्या यहाँ के मूलवंशियों के लोगों ने शस्त्र नहीं उठाए? इतिहास तो कह रहा है कि सबसे पहले शस्त्र तो यहाँ के मूलवंशियों ने उठाए, क्योंकि यहाँ पे वो रहते थे और बाहरी आक्रमणकारी लोगों का आना जाना शुरू हुआ और तब से यहाँ के मूलवंशी लोगों ने अपने क्षेत्र का जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पे शस्त्र उठाए, विद्रोह किया, अपनी जान गंवाई। लेकिन एक्चुअली इंडिया के हिस्ट्री में ना ये बहुत बड़ा भेदभाव चल रहा है। मैं सीधे सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि इतना बड़ा भेदभाव चल रहा है कि ये जो मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप भी कहोगे कि अन्याय हुआ है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा ना बड़ा करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। वीर बाबूराव शर्मा के, वीर बाबूराव में वीर क्यों लगा रहा हूँ, मैं क्रांति वीर क्यों लगा रहा हूँ, इसके पीछे उनकी जीवन कहानी है। दोस्तों देखिए, उम्र 24-25 साल, और इस 24-25 सालों में उस महापुरुष ने पूरे एरिया को, पूरे भूभाग को हिला दिया। इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए, वो काल था जिस काल में अंग्रेज इस देश पर हावी हो गए थे। हर जगह जाके अंग्रेज जो नहीं मान रहा है उसको काट डाल रहे थे, जो मान रहा है उसके हाथों से अपना सिस्टम चला रहे थे। और उसी टाइम में राजा और ज़मींदारी पद्धति अवेलेबल थी। जी हाँ दोस्तों, जो ज़मींदार मान रहा था उसके थ्रू अंग्रेज उस जनता पर हुकूमत कर रहे थे, और जो नहीं मान रहा था, जो विद्रोह कर उठता था, उसको दबा रहे थे। वो शासनकाल है जिस शासनकाल में जो ज़मींदार लोग हैं अंग्रेज़ को साथ देकर लोगों पे अन्याय, अत्याचार भी कर रहे थे। और ये तो हुआ प्रादेशिक, लेकिन आपके नार, आपके गांव में जब एक साहूकार एक थैला लेके उस गांव में रहने के लिए आया और 10-12 साल में उसने इतनी संपत्ति इकट्ठा कर दी कि हर गाँव का एक नागरिक आज उसके सामने हाथ फैला रहा है, क्योंकि वो नागरिक उस साहूकार का कर्ज नहीं दे रहा है या दे नहीं पा रहा है, और वो साहूकार एक दुश्मन बनकर उन लोगों पे अन्याय, अत्याचार, जुल्म कर रहा है। ये सिचुएशन थी, और इस सिचुएशन में पूरे गांव का अनाज, पूरे मौल्यवान अलंकार है जो वो स्त्रियां पहनती थी, साहूकार के पास गिरवी पड़ा था। और साहूकार ने इतना ज़्यादा कर्ज लगा दिया था कि वो लोग सोच रहे थे हम उम्र भर भी काम करें तो भी नहीं दे पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में यहाँ के ट्राइबल लोग जी रहे थे, तो ऑब्वियसली वहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान शस्त्र तो उठाएगा ही। और यही कहानी है वीर बाबूराव शर्मा की। वीर बाबूराव शर्मा के पिताजी का नाम है पुलेश्वर बापू, आई का नाम है यानी माता का नाम है जुर्जा कुंवर। माता आंध्र यानी आंध्र प्रदेश की थी, तब तेलंगाना राज्य नहीं था, और जिस काल की मैं बात कर रहा हूँ उस काल में गढ़चिरौली ज़िला भी नहीं था, पूरा ये चंद्रपुर ज़िले के अंतर्गत उनका एरिया आता था। उनका जन्म हुआ मोलमपल्ली ज़मींदार के घर, मोलमपल्ली का क्षेत्र उनकी ज़मींदारी का क्षेत्र था, और गांव का नाम है किष्टापुर जहां पे उन्होंने जन्म लिया। ऑब्वियसली उनके पिता ज़मींदार थे तो उतनी कोई गरीबी की दिक्कत नहीं थी। ऐसे प्रसंग बताए जाते हैं या गोंडी पाटाओं, गोंडी गीतों के माध्यम से जब बाबूराव शर्मा के का जयघोष निकलता है, जब वो जयघोष करते हैं, तब ये बताया जाता है कि बाबूराव शर्मा के बचपन से ही बहुत साहसी थे। चीते से उनकी 2 बार टकराव हुई थी, उसके बाद बाबूराव शर्मा के को जब गोकुल शिक्षा पूर्ण हुई तब रायपुर के महाविद्यालय में भेज दिया गया। रायपुर के महाविद्यालय में क्यों भेजा गया? क्योंकि उनके पिताजी जो पुलेश्वर बापू थे वो दूर का सोचते थे। दूर का ये कि अभी अंग्रेज़ों ने इंडिया पे राज्य करना शुरू किया है, अंग्रेज़ अभी अपना खुद का चला रहे हैं, तो हमें अंग्रेज़ी भाषा आना ज़रूरी है, हमारे बच्चों को ज़्यादा पढ़ना
ज़रूरी है। पुलेसुर बापू ने अपने बच्चों को यानी वीर बाबूराव शर्माके को रायपुर भेजा। लॉर्ड डलहौसी ने वहाँ पे अंग्रेज़ी विद्यालय निकाला था और वीर बाबूराव शर्माके ने वहाँ जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। दोस्तों एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब वो लौट के आए तब वो पहले बाबूराव शर्माके नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान ने और एजुकेशन ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। अन्याय के खिलाफ उनको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पिता के द्वारा वो ऐसे किस्से कहानियाँ सुनते थे और अंग्रेज़ों को कैसे मात देना है ये प्लानिंग भी उनके पिता करते थे। जब बाबूराव शर्मा के रायपुर से लौट आए तब उनका एजुकेशन हुआ था और उन्होंने जान लिया था कि देश पर कैसे ये अंग्रेज़ राज कर रहे हैं और कैसे हमें अपने ज़मीन से इनको खदेड़ देना है, इसलिए हमें आवाज़ भी उठाना है। तो दोस्तों इस बीच वीर बाबूराव शर्मा की मामा की लड़की से उनका विवाह हुआ। उनके विवाह के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने प्लानिंग शुरू कर दी और ये प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि गांव-गांव जाकर ये पता किया कि कौन सा साहूकार किस लोगों का शोषण कर रहा है और जिस गांव में ज़्यादा शिकायतें आती थी उस गांव में जाकर उस साहूकार को सबक सिखाकर उसके जो रद्दी पेपर है जो उधारी लिख के लिखता था उसको जलाकर जो भी गहने वहने हैं वो लोगों में बाँट देकर चला जाता था। यही बात हमें नज़र आती है पश्चिम महाराष्ट्र में। क्रांतिकारक राघोजी भांगरे भी बिल्कुल यही सिस्टम अपनाते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगर हम देखें तो तंट्या भिल भी यही सिस्टम अपनाते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। दोस्तों वीर बाबूराव शर्माके का कहना यह था कि हमारे ज़मीन पर कब्जा करने वाला चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो कोई ज़मींदार हो, चाहे वो कोई साहूकार हो, चाहे वो कोई सामंत हो, अगर यहाँ के रहने वाले मूलवंशी लोगों के साथ वो न्याय नहीं कर सकता तो उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए वीर बाबूराव शर्माके ने धीरे धीरे अपनी टोली बनाई। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी था कि वीर बाबूराव शर्माके ने जैसे ही अंग्रेज़ी भाषा और वो विद्यालय में गए थे तब उनकी बॉडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत बढ़िया काम हुआ था। जब वो जाके कहीं खड़े हो जाते थे और उन्होंने अगर कोई भाषण दे दिया तो सभी लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। एक चीज़ ज़्यादा बोली जाती है कि वीर बाबूराव शर्मा के का जब प्रोग्राम होता है रैलियाँ निकलती है तब लोग बोलते हैं अरे किसी गोंड का प्रोग्राम है। दोस्तों ये वीर बाबूराव शर्मा के ने नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ गोंड समाज के लिए ये कर रहा हूँ। उन्होंने मशाल उठाई, तलवार उठाई, बंदूक उठाई, इसलिए उठाई क्योंकि उनको लगता था कि भारत देश से यहाँ से अंग्रेज चले जाए। और आज वीर बाबूराव शर्माके को इतना छोटा इसलिए किया गया कि वो समझते हैं कि सिर्फ ये गोंड प्रधान समाज के ही है, बाकी समाज का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपको बता दूं वीर बाबूराव शर्माके के टोली में हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्मपंथी उस क्षेत्र में थे सभी धर्मपंथी उनके साथ जुड़े थे, क्योंकि वो काल जाति भेदभाव का नहीं था, वो काल था, वो समय था एक जगह इकट्ठा होकर विद्रोह करने का। आपको यही बताया जाता है कि 1857 का उठाव सबसे बड़ा माना जाता है। नहीं दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी 1858 में भी यहाँ के मूलवंशी लोगों ने बहुत बड़े बड़े इतिहास बनाए, रिकॉर्ड बनाए और बहुत बड़ी पैमाने पे अपना बलिदान भी दिया है। दोस्तों ये शुरुआत हुई है। अगर अंग्रेज़ों की सेना का एक किस्सा मैं आपको बता दूँ, वो किस्सा ये था कि अभी वर्तमान पोंभुरना तहसील में एक नांदगांव घोसरी क्षेत्र आता है। अगर आप चंद्रपुर ज़िले के हैं तो आपको पता है नांदगांव घोसरी क्षेत्र में जंगल से अंग्रेज़ों की सेना जब आ रही थी तब वीर बाबूराव शर्माके ने पहला हमला चढ़ाया था जंगल से छुप छुप कर और पूरे सैनिकों को मार भगाया था। और इसके साथ उन्होंने अंग्रेज़ों से अपनी दुश्मनी कर दी। और दूसरी बात, उन्होंने जो भी लगान उनके ज़मींदारी से अंग्रेज़ों की तरफ जाता था वो भी बंद कर दिया, पूरी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। 500 गोंड सैनिकों की एक टीम बनाई और उसकी चार टुकड़ियां बनाकर अपना काम चलाते थे। एक मैं उल्लेख कर दूं कि बाबूराव शर्मा के सिर्फ और सिर्फ लड़ाई नहीं करते थे, वो प्लानिंग भी करते थे। उनकी एक प्लानिंग मैं आपको बता दूं, कारूजी कन्ना के, झिंगाजी पेंदो और हुका सेड़मा के, इन तीन लोगों को उन्होंने यहाँ पे गुप्तचर गुप्तहेर करके नियुक्त किया था। अंग्रेज़ों की क्या प्रणाली है, वो क्या करने वाले हैं, किसको टारगेट करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ से युद्ध स्टार्ट करेंगे, ये बारीकी से बातें ये गुप्तचर वहाँ पे आके बताते थे। और इन गुप्तचरों के ज़रिए उन्हें ये भी पता चला कि कुछ तेलुगु ब्राह्मणों की टोली आई थी वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रही थी, यहाँ वहाँ की जानकारियाँ दे रही थी। और फिर बाबूराव शर्माके की टीम ने उनको धर दबोचा और ऐसा मारा कि कभी वो चांदागढ़ के क्षेत्र में फिर से नहीं दिखे। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि बाबूराव शर्मा के सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करते थे। कोई कहता है कि गोंड आदमी सिर्फ लड़ना जानता है, नहीं, उनकी हर लड़ाई को अगर आप बारीकी से जाके देखेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको यह नज़र आएगा कि हर लड़ाई के पीछे प्लानिंग थी।
और उस प्लानिंग के जरिए बाबूराव शर्मा के सैनिक कम होते हुए भी बाबूराव शर्मा के जीत जाते थे और वहाँ से उन लोगों को बर्बाद कर लूट कर चले जाते थे। अपने लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। उम्र थी 24 से 25 साल। इस साल में उन्होंने बहुत कुछ ऐसे कार्य किए जो हमारे लोगों को करने चाहिए थे। दोस्तों, सबसे पहले नांदगांव घुसरी का युद्ध, उसके बाद सगनापुर, उसके बाद घोट में तो बहुत बड़ा बलिदान गया है। घोट जो वैनगंगा नदी है उस नदी के तट पर भी बहुत अंग्रेज़ों को मार गिराया है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हमारे पीठ पीछे जो छुरा घोंपने वाले लोग बाहर ही नहीं होते, घर के ही होते। ऐसा ही कुछ हुआ था वीर बाबूराव शर्मा के साथ भी, और घर वालों ने ही उन्हें दगा दिया और वो अंग्रेज़ों के हाथ लग गए। और यहाँ पे कैप्टन क्रिक्टन ने वीर बाबूराव शर्मा के बहुत बड़ा इनाम भी लगाया था और जब वो मिले तब उनको फांसी दी गई। जी हाँ दोस्तों, ये फांसी दी गई चांदागढ़ के जेल में। आज भी वो जेल साबुत है और जिस पेड़ को लगाया गया है वो पेड़ भी आज साबुत है। और इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल है 12 मार्च। जी हाँ दोस्तों, आप अगर फ्री हैं, आप कहीं भी हैं तो प्लीज़ निकलिए और 12 मार्च को चंद्रपुर के जेल में पहुँचिए। वहाँ वीर बाबूराव शर्मा को जिस स्थल पे फांसी दी गई उस स्थल पे पूरा गोंड प्रधान समाज या अन्य समाज भी वहाँ पे जमा होता है और उस बड़े आदमी को याद करता है, उसको सलाम करता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बड़ा चढ़ा के बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला था, लेकिन एक है कि स्टोरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेन तथ्य यह है कि इतना बड़ा बलिदान 1858 में वीर बाबूराव शर्मा के ने देते हुए भी आज किसी भी हिस्टोरिकल किताब में वीर बाबूराव शर्मा के का नाम नहीं है। यहाँ तक कि उनकी जो फांसी के लिए जो नोटिस जारी किया था वो भी आज भी गोंड समाज के पास अवेलेबल है। जो भी गैजेट में लिखा गया है वो भी गोंड समाज के पास अवेलेबल होने के कारण भी स्वतंत्र संग्रामी करके कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा नहीं है। यहाँ के इतिहासकारों ने मूल वंशी आदर्श महापुरुषों के साथ अन्याय किया है और उनके साथ अन्याय किया है, सो हम समझते हैं कि मूल वंशी लोगों के साथ भी अन्याय हुआ है। दोस्तों, मैं इसलिए नहीं कहूँगा, अगर आप जाइए आपके 8वीं 10वीं 9वीं 10वीं 12वीं जो भी आपके जो किताबें हैं छान कर देखिए, वीर बाबूराव शर्मा के का चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मूलवंशी और गोंड समाज के थे। अगर यही किसी और समाज के होते तो शायद इनका बड़ा चैप्टर नहीं कुछ बड़ा बन जाता। तो इसलिए दोस्तों, हमारे समाज के इस क्रांतिवीर पुरुष को जो मात्र 25 साल के थे और 25 साल में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज हम 60-70 साल के हो जाते फिर भी नहीं कर पाते। अपने लोगों के लिए जान देना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। इसके लिए एक जुनून होता है जो जुनून देश प्रेम था, और इस देश प्रेम को लेकर वीर बाबूराव शर्मा के ने अपनी जान गंवाई थी। आके अंग्रेज अधिकारी ने भी ये कहा था कि जब उनको फांसी थी तब उनके चेहरे पर कहीं भी आपको पश्चाताप नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वीर बाबूराव शर्मा के ने अपनी जान गंवाई, हंसते हंसते जान इसलिए गंवाई कि मेरा देश आज नहीं तो कल आज़ाद हो जाएगा। और यही हुआ, उसके कुछ सालों बाद देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से छूट गया। लेकिन हम एक अलग सिस्टम के हाथों पड़े हैं जहाँ पे आज भी मूल निवासियों पे अत्याचार कंटिन्यू है। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 12 मार्च 1833 में, उनकी मृत्यु हुई थी 21 अक्टूबर 1858 में, मात्र 24 या 25 साल के थे। ये पूरी जानकारी आपको मिल सकती है, मैंने इस किताब को बहुत साल पहले ही पढ़ लिया है। आपका नाम है बाबूराव पुल्लेसुर बापू राजगोंड और इस किताब के लेखक है माननीय तिरुमल पुरुषोत्तम जी शर्मा के, जो चांदागढ़ के ही रहने वाले थे। उन्होंने वीर बाबूराव शर्मा के पे बहुत बड़ा रिसर्च किया। अगर ये किताब आप चाहते हैं कि आपके पास आए तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि नीचे जो प्रकाश सलामी जी का नंबर मैं दे रहा हूँ उस नंबर पे आप कॉल करिए। उनका जो व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है उस व्हाट्सअप नंबर पे वो किताबें गुणवाना की पूरी किताबें आप देख सकते हैं और घर में बैठे बैठे कुरियर से मंगवा सकते हैं। तो प्लीज़ आपको अगर उनका इतिहास पढ़ना है तो ये किताब मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। प्लीज़ पढ़िए और समझिए इस बात को कि वीर बाबूराव शर्मा के कौन थे। इसके पहले सभी को लास्ट में निवेदन है कि मैं आ रहा हूँ चांदागढ़ दोस्तों, ज़रूर मिलेंगे। अगर आप नज़दीक के हैं तो प्लीज़ आइए, हम ज़रूर मिलेंगे और मिलकर उस महापुरुष को नमन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो यही रोकता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।